हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, सिम्पसंस कार्टून ने कई पेशनगोइयां की जिनमें से बहुत सारी ठीक भी साबित हुई। मैं इस पर कई वीडियोस बना चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसंस कार्टून की कुछ रीसेंट पेशनगोइयों के मुतालिक बताऊंगा। क्या इन कार्टून्स में पाकिस्तान और इमरान खान के मुतालिक भी कुछ बताया गया, इस वीडियो में आप ये सब कुछ देखेंगे। दोस्तों, 4 अप्रैल को अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी दिन बार्बी मूवी का ट्रेलर भी रिलीज हुआ। इस मूवी की बहुत ज्यादा हाइप बनी और ये दुनिया के कोने कोने में देखी गई। अजीब बात यह है कि 29 साल पहले सिम्पसंस में बिल्कुल यही कुछ दिखाया गया। इस एपिसोड में टीवी पर खबरें दिखाई जा रही थीं, जिनमें बताया गया कि एक नई बार्बी डॉल मार्केट में आई है। रिपोर्ट के आखिर में एंकर ने यह कहा कि आपको ये भी बताता चलूं कि अमेरिका के सदर को अरेस्ट कर लिया गया है। अब 29 साल बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बार्बी मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ और उसी दिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट भी कर लिया गया। ये प्रिडिक्शन इंतहाई हैरत अंगेज है। एक और अजीब इत्तेफाक कुछ महीने पहले हुआ, जब टाइटैनिक को देखने के लिए जाने वाली सबमरीन पानी में तबाह हो गई थी। 2006 में सिम्पसंस की एक एपिसोड में सिम्पसंस का एक कैरेक्टर होमर अपने बाप के साथ समंदर में एक एक्सपीडिशन पर जाता है। ये लोग सबमरीन में सवार होकर समंदर की गहराई में खजाने को तलाश करने जाते हैं, जहां इनकी सबमरीन समंदर में फंस जाती है। अब हम जानते हैं कि टाइटैनिक के मलबे के पास जाने वाली उस सबमरीन में भी पाकिस्तानी बाप बेटा सवार थे, जो कभी वापस नहीं आ सके। सिम्पसंस की ये पेशनगोई भी इस साल काफी मशहूर हुई, लेकिन असल में सिम्पसंस ने ये एपिसोड एक फिल्म क्रिम्सन टाइड के ऊपर बनाई थी। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि 17 साल बाद एक ऐसा ही वाकया पेश आ गया। दोस्तों, एक और पेशनगोई जो सिम्पसंस ने की, वो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2024 में फिर से इलेक्शन लड़ने की है। 2015 में सिम्पसंस की एक एपिसोड में दिखाया गया कि सिम्पसंस का एक कैरेक्टर उड़ रहा है और पीछे लिखा है डोनाल्ड ट्रंप 2024। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अनाउंस किया है कि ये 2024 में फिर से इलेक्शंस में हिस्सा लेगा। दोस्तों, सिम्पसंस ने 2012 में ही दिखा दिया था कि रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं। इसमें दिखाया गया कि एक ऑफिस से इंसानों को निकाला जा रहा है और उनकी जगह रोबोट्स को हायर किया जा रहा है। यहाँ तक कि 1989 में इन्होंने दिखाया कि दुनिया में मशहूर लोगों की शक्ल के रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं। सिम्पसंस में ये भी प्रेडिक्ट किया गया कि रोबोट्स इंसानों के खिलाफ बकायदा जंग शुरू कर देंगे। आज की दुनिया में हम यही सब कुछ देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को टेक ओवर कर रही है। सिम्पसंस की ये प्रेडिक्शन भी काफी एक्यूरेट साबित हुई। दोस्तों, सिम्पसंस में ये भी प्रेडिक्ट किया गया था कि इंसान मार्स पर जाकर सेटल हो रहा है। और अब हम सब जानते हैं कि मार्स पर इंसानों को भेजने की ना सिर्फ बातें हो रही हैं, बल्कि इसकी बकायदा तैयारी भी हो रही है। जून से 4 एस्ट्रोनॉट्स को बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि ये लोग मार्स पर जाकर रह सकें। दोस्तों, अमेरिका की नायब सदर कैमेला हैरिस है। ये अमेरिका की पहली औरत है जो नायब सदर बनी। सिम्पसंस ने 23 साल पहले दिखाया कि सिम्पसंस की ये कैरेक्टर लीजा अमेरिका की प्रेसिडेंट बन गई है। अजीब बात यह है कि लीजा ने जो कपड़े पहने हुए थे, यानी पर्पल रंग का ड्रेस और एक नेकलेस, 21 साल बाद कैमेला हैरिस ने भी हलफ उठाते हुए उसी जैसे कपड़े पहने हुए थे, पर्पल रंग का ड्रेस। यहाँ तक कि इसका नेकलेस भी उससे मिलता जुलता था। ये एक इंतहाई हैरत अंगेज इत्तेफाक है। दोस्तों, 2020 के एक एपिसोड में सिम्पसंस ने दिखाया कि सिम्पसंस का एक कैरेक्टर होमर वोट नहीं डाल सका और बस इसी वजह से इस शहर में फसाद हो गए। यहाँ डेट भी दिखाई गई, 20 जनवरी 2021। लोग घरों से बाहर निकल आए और शहर में हर तरफ आग लग गई। अजीब बात ये थी कि 2021 में ही डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने भी एहतजाजन ऐसा ही किया। ये लोग घरों से बाहर निकले और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त पर अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में इमारतों पर कब्जा कर लिया था। क्या सिम्पसंस ने ये एहतजाज भी पहले से ही प्रेडिक्ट किया था? लोग ऐसा ही समझते हैं। बात अगर सिम्पसंस की पाकिस्तान के मुतालिक प्रेडिक्शंस की जाए, तो आपको इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें दावा किया गया कि सिम्पसंस में इमरान खान और पाकिस्तान के मुतालिक प्रेडिक्शन की गई है।
दोस्तों मैंने इस मुतालिक काफ़ी रिसर्च की, लेकिन मेरे ख्याल से सिम्पसन्स में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स सिर्फ और सिर्फ बनाई गई हैं। हाँ, सिम्पसन्स ने एक जगह पाकिस्तान की बात जरूर की। इसमें दिखाया गया कि सिम्पसन्स का एक कैरेक्टर मजाक में कहता है कि इंडिया पाकिस्तान पर एटमी हमला कर देगा। जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ होना नहीं है। इसके अलावा सिम्पसन्स कार्टून में कोई और पेशनगोई नहीं की गई, जैसा आपको इंटरनेट पर कई जगह देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।